नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान है मुस्कान। मुस्कान कहती हैं कि मुझे एक्टिंग का भी शौक़ है, मुस्कान कहती हैं कि मुझे गाने का भी शौक़ है। तो नाज़रीन आए मुस्कान से पूछ लेते हैं कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, एक्टिंग का या गाने का। हाँ तो मुस्कान, आपको किस चीज़ का शौक़ है, गाने का है या आपको एक्टिंग का शौक है? मुझे गाने का भी शौक है और एक्टिंग करने का भी शौक है और मॉडलिंग करने का भी शौक है। अच्छा, देखिए तीन शौक, मैंने तो दो शौक कहे थे लेकिन यहाँ तीन हो गए, मॉडलिंग भी, गाना भी और एक्टिंग भी। आप गा सकती हो? जी हाँ, मैं गा सकती हूँ। तो ठीक है, आप कुछ सुनाएं। नाज़रीन तो आए मुस्कान से सुनते हैं कोई गीत। जी मुस्कान, कहीं उड़ तो ना जाओगे तुम, मेरी सांसों को ले तो ना जाओगे, कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे तुम, मेरी सांसों को ले तो ना जाओगे। तो आपको एक्टिंग करके दिखा दें? कर सकती हूँ। तो प्लीज़, तो नाज़रीन मुस्कान एक्टिंग करेगी, आप भी और हम भी देखेंगे, फिर आप बताना कि मुस्कान एक्टिंग करने काबिल है या नहीं है, क्या ये हमारे चैनल पर अदाकार हो सकती हैं या नहीं हो सकती। जी मुस्कान, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी सास बनना चाहती हैं तो मैं, मतलब कि आप चाहती हैं कि मैं, ये चाहती मुस्कान चाहती हैं कि मैं उनकी सास बनूँ। जी मुस्कान, मैं आपकी सास हूँ, आप बताएं। आपने मेरे शोहर से क्या कहा है? आपका शोहर मेरा बेटा है, मैं उसे क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ, वो मेरा मसला है, तू क्यों बीच में बोले जा रही है? ये अच्छी बात नहीं है, आप मुझे लाकर भी और आपने इस तरह करा। अब हम दोनों के बीच में तू पड़ेगी, कल ये ब्याह के लाई हूँ और तू अब बीच में पड़ रही है, ये कोई काम की बात हुई? जाके अपना किचन संभाल और सुन, मेरे लिए चाय बना कर आ जल्दी, देखो तो सही। आप किसी की बेटी को लाकर ऐसा करते हैं, पहले आप विदा कर लाते हैं, फिर आप उसको बहू बनाते हैं और वहाँ से बोल कर लाते हैं कि ये बेटी है। अरे तेरी अम्मा ने कहा था मेरी बेटी को जबान नहीं, तेरी अम्मा ने कहा था कि मेरी बेटी बोलती नहीं। अरे चुड़ैल, तू तो बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है।